हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इनका नाम है सर्गी लैवरोव और ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया हमारे डॉक्टर जयशंकर सर के बारे में, जो कि अभी इस वक्त काफ़ी वायरल है, खास करके उन लोगों के बीच में जो जियोपॉलिटिक्स और यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि रशिया और भारत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या एक ट्रस्टेड अलाय है, जिसका कि प्रूफ भारत और रशिया दोनों समय दर समय पे देते हुए आए हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर में सर्गी लैवरोव ने क्या कहा हमारे डॉक्टर जयशंकर सर के बारे में और क्यों कहा, उसके पीछे का क्या कॉन्टेक्स्ट था। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। सो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरीके से है कि फरवरी 2022 से रशिया और यूक्रेन वॉर में है, जहां पे रशिया के ऊपर अलग अलग तरीकों का, या कह सकते हैं कि लमसम 500 से भी ज्यादा रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। किसी भी देश को अगर तोड़ना हो तो उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, अगर आप उसको तोड़ देते हैं तो वो देश अपने आप ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाता है। ऐसा ही कुछ उम्मीद यूएस या यूएस के जो अलाइज हैं उनको लगता था, लेकिन एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि रशिया और यूक्रेन वॉर 2 साल से भी अधिक हो चुका है। कहने का मतलब है 2 साल तो कंप्लीट हो चुका है और ये 3रा साल है। उसी बीच क्या होता है कि बहुत सारे जो वेस्टर्न मीडियाज थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत को प्रेशराइज कर रहे थे और भारत से ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत रशिया से ऑयल परचेज ना करें। उसी बीच डॉक्टर जयशंकर सर का, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा जहां पे डॉक्टर जयशंकर सर वेस्टर्न मीडियाज या वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में ये कहते हैं कि जितना ऑयल भारत 1 महीने में परचेज करता है उतना ऑयल और गैस रशिया से वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ 1 दिन में परचेज करते हैं। अब हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है, यहाँ से आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज खुद रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं लेकिन वो ये चाहता है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज ना करे। रशिया भारत का एक बहुत ही, या कह ले दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाय है, और रशिया और भारत का जो रिलेशन है वो बहुत सालों से स्टेबल है। कह ले कि जब से यूएसएसआर था या सिंस इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से या उसके पहले भी भारत का जो रिलेशन था वो रशिया के साथ अच्छा था। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स या घटना घटे हैं जिसको कि देख के हम ये कह सकते हैं कि रशिया पे हम भरोसा कर सकते हैं। अब प्राइमरीली जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो, उनको भारत से ये उम्मीद था कि भारत रशिया से ऑयल परचेज ना करे और उन सब देशों से ऑयल परचेज करे जो रशिया के मुकाबले अधिक पैसे में ऑयल बेच रहा था। अगर आप इस चीज को बहुत ही न्यूट्रल दिमाग से आप देखेंगे और सोचेंगे तो एक देश वो क्यों महंगे में कोई सामान खरीदेगा जब उसे सस्ते में सामान मिल रहा है तो। और उससे भी बड़ी बात है कि ये यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज कौन होते हैं पूरा दुनिया को चलाने वाले। यूएस जब मन करता है तब वो किसी कंट्री को सपोर्ट करता है और जब मन करता है तो उस कंट्री को वो सपोर्ट नहीं करता है। या इन शॉर्ट अगर हम इस चीज को समझे तो ये पूरा दुनिया ऑलमोस्ट वेस्टर्न मीडियाज को ही कंज्यूम करता है या उनके आइडियाज को ही कंज्यूम करता है। इस बात को प्रूफ करने का मैं आप लोगों के सामने 2 एग्जाम्पल्स रखूंगा जिसको कि जान के, सुन के, पढ़ के आपको भी ये लगेगा कि अगर किसी भी देश का अगर फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं रहा और अगर वो बाहरी देश के हिसाब से अगर अपना वो फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करता है तो वो देश कंप्लीटली बैंकरप्ट हो जाएगा, वो देश कंप्लीटली कोलैप्स कर जाएगा। ये अक्टूबर 2022 का आर्टिकल है जहां पे यूएस 450 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स का F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान को वो बेच रहा है। ये वही पाकिस्तान है जहां पे ओसामा बिन लादेन, या कहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान और टेररिज्म दोनों साथ साथ चलते हैं, और ये जग जाहिर बात है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। उसके बाद भी यूएस पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट बेचता है, और ये वही यूएस है जो दुनिया में ये भी ढोल पीट के बताता है कि वो पूरे दुनिया में शांति, पीस, प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करता है या प्रमोट करना चाहता है। दूसरा एग्जाम्पल, किस तरीके से यूएस के कहने पे पाकिस्तान ने 364 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स का यूक्रेन को वेपन बेचा। अब यूक्रेन बहुत इंटरेस्टेड था नेटो को ज्वाइन
ज्वाइन करने के लिए। अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता तो इससे जो डायरेक्ट खतरा था वो कहीं ना कहीं रशिया को होता। जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जब ये वॉर शुरू हुआ तब ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन इस वॉर को बहुत आसानी से जीत जाएगा, या कह ले कि वो रशिया को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया था। यूक्रेन और जो भी वैसे देश, खास करके यूके, कनाडा, यूएस, जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे और अलग अलग तरीके का यूक्रेन को रडार सिस्टम या लेटेस्ट गैजेट्स दिए गए हैं रशिया के खिलाफ। अब आप इस चीज को सोचिए कि अगर रशिया के खिलाफ इतने सारे देश खड़े हो जाएंगे तो रशिया अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं करेगा। अगर रशिया और यूक्रेन के वॉर जो हो रहा है अगर वो गलत है, और अगर यहाँ पे अगर सिविलियंस मारे जा रहे हैं तो सिविलियंस गाजा में भी मारे जा रहे हैं, सिविलियंस जब यूएस इराक को इन्वेड किया था तब भी मारे जा रहे थे। तो ऐसे छोटे बड़े आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि देख के, समझ के, पढ़ के ये कहा जा सकता है कि एक तो सबसे पहली बात कि हमें वेस्टर्न मीडियाज के जो आइडियाज है उसको कंज्यूम नहीं करना है, और दूसरी बात एज एन इंडियन हमें हर वक्त हमारा जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि हमें यूएस, यूके इनके कहने पे हमें फोकस करना है। अभी पिछले महीने ही हमारे डॉक्टर जयशंकर सर जर्मनी गए हुए थे जहां पे वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे, जहां पे उनके बगल में एंथनी ब्लिंकन भी बैठे हुए थे। तो जो एक्सपेक्टेड था कुछ वैसे ही सवाल पूछा गया था हमारे डॉक्टर जयशंकर सर से, जहां पे ये कहा जा रहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में कुछ वो सवाल थे, जहां पे हमारे डॉक्टर जयशंकर सर ने कहा कि अगर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अगर हम बैलेंस बना के चल रहे हैं, कहने का मतलब उनका कुछ ऐसे था कि अगर हम रशिया, यूएस या फ्रांस या और भी अलग अलग देशों के अगर हम साथ चलते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज को इससे तकलीफ नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज या जो पत्रकार थे वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किए थे, उनका कहने का मतलब था कि भारत जो है वो एंटी वेस्ट है। तो वहीं पे डॉक्टर जयशंकर सर का ये प्रयास था कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, बल्कि हम एक वो देश है जो बैलेंस बना के चलना, और कहीं पे भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम डायलॉग के थ्रू उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बातें करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है, जहां पे जो सही है उसको हम एक्सेप्ट करें और जो गलत है उसको भी हम एक्सेप्ट करें, और जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है उसको हम कंप्लीट तरीके से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखें, और साथ में किस तरीके से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पीस एंड प्रोस्पेरिटी की बातें किया जाए। और अगर रशिया यूक्रेन वॉर को अगर रोकने की बात है तो गाजा और इसराइल के बीच में जो हो रहा है उसे भी हमें रोकने के बारे में बात करना चाहिए। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।